Yeh Raha Dil थैंक यू। क्या आपको मालूम है कि बेगम आफाक क्यों नहीं आई होंगी हॉस्पिटल? अरे मुझे क्या मालूम, मुझे तो दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नज़र नहीं आती, बल्कि लगता है कि अच्छा खासा फासला पैदा हो गया। क्या आपको फील हुआ? अब मेरे पास कहाँ टाइम है कि उनकी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री फील करता फिरूँ। आपको तो कुछ फील ही नहीं होता है कभी। फील होता है मुझको। अच्छा क्या भाई? थैंक यू। आपको क्या फील होने लगा? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जकी साहब कोई नया धमाका करने वाले हैं। ना ना करे, कौन सा? हयात। क्यों, कुछ कहा है क्या उसने आपसे? नहीं कुछ कहा तो नहीं, लेकिन लॉन्च पैड पे आसार ऐसी हैं कि वो कुछ जल्दी करने वाले। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो बस शक की बीमारी है। नहीं मुझे शक तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। हयात निंदा से बहुत बेहतर है और जकी के साथ अच्छी रहेगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब लगता है पौधों के साथ साथ आपके दिमाग को भी फर्टिलाइजर की जरूरत है। अब आप ये एक नया शोशा मत छोड़ दीजिएगा जिसका ना कोई वजूद है ना कोई सर ना पैर। शोशा नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जकी के प्रीवियस रिकॉर्ड और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हयात में कोई खास बात तो है जो निदा में नजर नहीं आती। I mean, I have no issue with that. मेरा नहीं ख्याल, बहनों के दरमियान पहले ही बाप को लेके झगड़े हो रहे हैं, अब आप एक नई फुलझड़ी छोड़ दें। खुदा के लिए आप इनकरेज मत कीजिएगा सखी को। मैं उसको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो खुद इनकरेज होकर कुछ करे तो वॉट कैन आई डू। I mean, I have no issues with that. फातिमा ने हयात को मना किया था। किस बारे में? कि वो मुझसे ना मिले। शायद इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है पापा। इसके अलावा और तो नहीं कुछ कहा था? नहीं बस यही बात हुई थी। वैसे मुझे हयात पर हैरत हो रही है कि उसको मना करने के बावजूद भी वो यहाँ घुस आई। मेरा ख्याल है हमें हयात के बारे में बात करनी चाहिए ताकि ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है पापा, वो आपकी बेटी और मेरी स्टेप सिस्टर है, दैट्स ऑल। तुम्हें मेरी पहली शादी के बारे में कुछ पता है? नहीं। फातिमा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कभी भी नहीं। मैं बताऊं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा, लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं तो मैं सुन लूंगी। चलो ठीक है, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रही हो, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? अपना करियर बनाना है मॉडलिंग के साथ और फ्यूचर जकी के साथ। जकी को तुम्हारी मॉडलिंग के साथ कोई इशू तो नहीं है? नहीं, उसे तो अच्छा लगता है, मुझे आगे बढ़ता देखकर वो बहुत खुश होता है। कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की उसने, कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे ड्रीम्स को पूरे करने के लिए वो हमेशा मेरा साथ देता है, कभी अपनी मर्दानी की जमाने की कोशिश नहीं की उसने। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। तुम्हारी माँ ने पता नहीं किस तरह तुम्हारे कान भरे हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी का रास्ता रोके। आप गलत समझ रहे हैं, मैं जकी की बात कर रही हूँ कि वो कैसा आदमी है। कैसा आदमी? आप जैसा नहीं,
शायद इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या परेशानी है? आपको कैसे पता मैं परेशान हूं? आपने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा चेहरा देख के नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। Yeah, but you didn't even look at me, Dad. औलाद यही समझती है कि उसके माँ बाप की नजर उस पर नहीं होती। But we always know what's going on. क्या इशू है बताओ मुझको? Dad, मैंने हमेशा आपको disappoint किया है Dad. हमेशा डिसअपॉइंट नहीं किया है लेकिन कभी कभी जिंदगी के अहम फैसलों में किया है। लेकिन ऐसा होता रहता है यार, हम एक दूसरे को डिसअपॉइंट करते हैं लेकिन फिर हम एक दूसरे के लिए खुशी का बायस भी बनते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। Like that. अच्छा, यूं ही? अच्छा, okay, I'm confused, majorly. I know you're confused. You know I'm confused. तो आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हाँ? देखो, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये इमोशनल मैटर्स में तुम्हें अपने दिल से पूछना पड़ेगा और खुद फैसला करना पड़ेगा कि तुम चाहते क्या हो। मोहब्बत करती हो उससे? मुझे नहीं मालूम, ना ही मेरा मोहब्बत पर कोई भरोसा है। मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक लव्ज है जो किताबों में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी और लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। शायद जकी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। अब आप इसे मोहब्बत कहें, जरूरत कहें, शादी कहें या बिजनेस, आई डोंट नो। मुझे मोहब्बत पर ना कोई भरोसा नहीं है। आप भी तो मामा से मोहब्बत करते थे, एंड क्या हुआ? नफरत, सेपरेशन, हेट। दुनिया वाकई बदल गई है। दुनिया नहीं, सोच बदल गया डैडी। आपकी जनरेशन मोहब्बत के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपनी जरूरत पूरी कर देती थी लेकिन मेरी जनरेशन सच बोलना सीख गई है। जरूरत और मोहब्बत का फर्क समझ आ गया है हमें। हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। ओह गॉड, मैं तो आपकी फाइल लेने आई थी और आपने मुझे बातों में लगा दिया। वहाँ डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे और मैं जनरेशन की बातें कर रही हूँ आपके साथ। मैं बस आई पापा। कर सकता डैड, नहीं हो रहा। इतने ज्यादा रास्ते हैं, सो मेनी ऑप्शंस, आई डोंट नो व्हाट टू चूज। बुफे में कितनी डिशेस होती हैं? 8, 12, 15 डिपेंड्स। राइट। और जब तुम बुफे खाने जाते हो तो किसी से ओपिनियन लेते हो या जो तुम्हारा दिल कहता है और दिमाग कहता है वो सिलेक्ट करते हो और जाके बैठ के खा लेते हो? लेकिन डैड, बूफे और जिंदगी में काफी फर्क है। कोई फर्क नहीं है बूफे और जिंदगी में, कोई फर्क नहीं है। आपकी जिंदगी भी गाहे बगाहे आपको ऑप्शंस देती है, चॉइसेस देती है। फैसला आपको करना है। दिमाग से सोचिए, दिल की सुनिए
and take a decision, but take a timely decision. वरना दूसरों की राय लेने के लिए इंतजार में बैठे रहे तो फिर भूखे रह जाओगे. डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? ये नंगे पैर घास पे चलने के पीछे कोई साइंस है? हाँ, दिमाग ठंडा रहता है. अच्छा फिर तो मुझे भी दिमाग ठंडा करने की जरूरत है. शायद कोई फायदा ही हो जाए. लेकिन उसके लिए ना दिमाग होना बहुत जरूरी है, वरना फायदे के बजाय नुकसान हो जाता. ये मेरे पास दिमाग भी है और दिल भी. तो आओ 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 आओ. देखा, मैंने कहा था ना फायदे के बजाय नुकसान हो गया तुम्हारा. पहला लॉन देखा जिसमें कांटे हैं? तुम्हारे लोगों ने बांटे हैं. राइमिंग. अंदर का शायर जागा है तुम्हारा? शायरी नहीं है, हकीकत है. वो दो मर्दूद जो आए थे ना, उन्होंने पूरे घर को डस्टबिन बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा जालिमों ने. तुम्हें तुम्हारी चीजें चाहिए? मिल सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, यहाँ का सारा कबाड़. I'm sorry, I didn't mean that. मेरा मतलब यहाँ का सारा सामान जो है वो हमारी कंपनी के स्टोर में है. ग्रेट. देखो मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए. मेरी कुछ बुक्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा लैपटॉप है यार. हाँ तो चलते हैं ना कल, अगर मैं चलने के काबिल हुआ तब. अगर इस कांटे की वजह से मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया ना, बैड सीन. पहन लो भाई, कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए. तमीज से यार, लंदन का जूता लंडे का नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द वे, जूता लंदन का हो या लंडे का, जगह तो पैरों में होती है ना. एक मिनट आ रहा हूं मैं, रुको. बात कहूं? बोलो. डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो शायद अंकल को बचाना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन माशाल्लाह वो अब स्टेबल है. लिसन, मुझे नहीं पता तुम्हारे और अंकल के बीच होटल में क्या हुआ था उस दिन. इट्स नॉट माय बिजनेस. मैं इस सारे का हिस्सा नहीं बनना चाहता. बाप और बेटी का मामला है. बट मैं ये जरूर कहूंगा, एक दफा हॉस्पिटल जाके मिल लो, सिर्फ एक दफा. हो गई तुम्हारी स्पीच खत्म? सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात भी बुरी लगी हो. बुरी नहीं लगी,
एक्चुअली लंबी बहुत थी। पूरी बात में सिर्फ एक काम की बात ये थी कि जाकर मिल लो, बाकी तो तुम ऐसे ही बोल रहे थे। फिर बाकी ऐसे ही जो बोल रहा था उसे छोड़ो, जरूरी बात है उसके बारे में सोचो। मैं सोच भी चुकी हूँ और मिल भी आई। तुम्हारी वो मदर इन लॉ और उनकी बेटी ने तो मुझे दरवाजे से तड़खाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे मिलकर आई हूँ। तुम्हें बताया नहीं निदा ने? मैं तो गया ही नहीं हॉस्पिटल, मैंने तो जाना है अभी। क्यों नहीं गए यार? तुम्हारे फ्यूचर फादर इन लॉ बीमार हैं। तुम जाओ उनसे मिलो, और वैसे भी निदा को पता चलेगा ना कि तुम यहाँ हो, उसको वैसे ही दौरा पड़ जाएगा। तुम जाओ उसके पास। मैं यहाँ आया इसलिए था कि तुम्हें लेके जाऊंगा अंकल से मिलवाने, तुम मिल आई हो। तो बात आगे बढ़ी, गिले शिकवे दूर हुए? पता नहीं यार, दूर हुए या करीब। करीब हो जाओ तो अच्छा है। मेरे हर सफर की है तू ही मंजिल, मेरी हर लहर का है तू ही साहिल, मेरी हर दुआ में है तू ही शामिल, मेरे हर जुनून का है तू ही हासिल। तुझे सोचता है जो, तुझे चाहता है जो, तेरा हो चुका है जो, ये रहा दिल हाँ मेरा दिल। तुम निदा को जाकर संभालो, चाहे तोड़ दे से चाहे जोड़ दे से चाहे छोड़ दे से, ये रहा दिल हाँ मेरा दिल। वो मैं कल आऊंगा सुबह, तो तुम्हारा सामान लेने जाएंगे। ओके ठीक है। हयात जाओ जाओ जाओ। हयात जाओ। सकी
मेरी आरज़ू न जाने कहाँ मुझको लेके आई, मेरे दिल से हो रही है मेरी धड़कने पर आई, यूँ अधूरा जिसके बिन मैं मुझे वो कमी लगे तू, मेरी जिंदगी की खातिर मुझे ड्यूस क्लियर हो गए? यस मैम। ओके हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ, बोलो। डॉक्टर ने डैडी को घर जाने की परमिशन दे दी है, फ्री हो तो आ जाओ। अच्छा ओके, मैं आ रहा हूँ बस। दो तीन दिन कहाँ थे? इस्लामाबाद गया हुआ था। इस्लामाबाद? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैसेज किया था ना। मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। बताओ तुम इस्लामाबाद क्यों गए थे? डैड ने रेस्टोरेंट की मीटिंग के लिए भेजा था। रेस्टोरेंट का बिजनेस अभी भी ऑन है क्या? हाँ ऑन है, क्यों ऑफ कब हुआ था? लेकिन वहाँ तो हयात रहती है। मैं आके तुम्हें डिटेल्स बताता हूँ। नहीं, मुझे अभी बताओ, वहाँ तो हयात रहती है, उसके वहाँ होने से रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे होगा? हो जाएगा मेरा। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, कैसे जकी? चल लिसन, मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ, डैड सामने हैं, आ रहे हैं, आके बात करता हूँ। चले, मैं दोबारा आता हूँ तो चलते हैं। मैं यहाँ पहुंचा था तो निदा की कॉल आ गई थी, अंकल को हॉस्पिटल से उठाना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ट्राई करना कि मेरा काम आज ही हो जाए। हाँ हो जाएगा, मैंने मैनेजर को कॉल की थी, वो स्टोर में होगा। मैं साथ चल सकती हूँ? हॉस्पिटल नहीं, मुझे स्कूल ड्रॉप होना है, तो मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना प्लीज। कहाँ पाइप थी तुम? ना तुमने किसी मेल का रिप्लाई किया, ना फोन मिल रहा था, मैं बहुत परेशान थी। हाँ एक्चुअली बहुत इश्यूज थे, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, फिर मेरा फोन भी स्नैच हो गया, मैं इसी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई। मैंने आपके घर किसी को भेजा भी था, आई थिंक। मेरा घर भी स्नैच हो गया। क्या, कब, अभी कहाँ रह रही हो? उसी घर में रह रही हूँ, लेकिन मैम बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सिर्फ आपको ये कहने आई थी कि आई कैन ज्वाइन यू बैक, मैं कल से आ जाऊँ। सॉरी हयात, तुमने रिप्लाई नहीं किया तो फिर हमने किसी और काउंसलर को अप्रोच कर लिया, अभी दो तीन दिन हुए उसे ज्वाइन किए हुए। ओके इट्स ओके मैम, थैंक यू। चाय या कॉफी? नहीं नहीं बस कुछ नहीं, बस अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो आई एम अवेलेबल। हाँ हाँ जरूर, या अगर आप मुझे किसी और स्कूल में रिकमेंड कर सके तो दैट विल बी ग्रेट मैम। बैठो बैठो,
और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, बस जॉबलेस हूँ इसलिए थोड़ी सी अपसेट हूँ। तुम थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो। तुम वो हयात ही नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तुम बहुत परेशान लग रही हो। टेल मी व्हाट हैपेंड। नेपाल का टिकट? जी हाँ, और वो भी पूरे 15 दिन के लिए। परले दर्जे का घटिया आदमी है वो। Get out of this house right now! Oh, I'm so sorry. आजकल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दोस्त ही होता है। अब इंसान किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। Thank you so much, ma'am. That's so nice of you. एक छोटा सा फेवर चाहिए मैम। हाँ हाँ बोलो जरूर। Actually, पिछले महीने की सैलरी मैंने नहीं ली थी। If you can do anything about that? हाँ हाँ क्यों नहीं, just wait. सलीम साहब को भेजिएगा। आज ही तुम अपने लिए नया मोबाइल लोगी, सिम एक्टिवेट करोगी, ताकि तुमसे कांटेक्ट में तो रह सकूं। मैं आज ही करूंगी। थैंक यू, गुड गर्ल, और सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जाकी, हारून साहब दफ्तर में होंगे? जी अंकल। उनसे मुलाकात हो सकती है? लेकिन पापा अभी। हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है पापा। उनसे बातें ही तो करनी है। कौन सी बातें? मालूम करो, अगर वो दफ्तर में हो तो थोड़ा वक्त दे सके तो हम उनसे मिलते जाएंगे। जी अंकल, मैं पता करता हूँ। इसका मतलब वही जो मैं समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप जो भी अमाउंट चाहते हैं इसमें फिल करके वो घर हयात के नाम कर दीजिए। आप मुझे किसी इम्तिहान में न डालिए। कैसा इम्तिहान? देखिए वो घर मैं जकी और निदा के नाम गिफ्ट कर चुका हूं। मैं जकी और निदा को समझा लूंगा। निदा नहीं मानेगी, वो जगह जगह अनाउंस कर चुकी है कि वो घर उसका है। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि उस घर की मालिक हयात है। ये मामला इतना सिंपल नहीं जितना सिंपल आप बना रहे हैं इसको। हयात की जगह कोई और लड़की होती शायद निदा को इतराज ना होता। अब वो जिद करेगी, और आजकल तो आपको पता है कि बहनें भी एक दूसरे के काम ही आती। ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। निदा थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन अगर उसे तरीके से समझाया जाए तो वो बात मान जाती है। और ये तो हयात की जगह है, ये उसका घर है, ये जगह निदा की नहीं बनती। ठीक है, आप निदा से बात कीजिए, अगर वो समझती है तो उसके बाद जो मेरे लिए हुक्म होगा मैं हाजिर हूं। निदा ने कभी इस घर के बारे में कुछ कहा है आपसे? जी हाँ, निदा मुझसे कह चुकी है कि हयात को उस घर से बाहर निकाली है। मैं समझता हूं कि निदा को कॉन्फिडेंस मिले की बात की जाए तो ये मुनासिब रहेगा, और अगर निदा अग्री हो जाती है
तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ना मुझे इस चेक की ज़रूरत है, ना घर की, और हयात भी मेरी बेटी है। ठीक है, हम दोनों की शादी की बातें तो नहीं कर रहे दोनों ओल्ड बॉयज? पता नहीं यार, काफी टाइम हो चुका है, अब तक तो आ जाना चाहिए उन्हें। हाँ काफी टाइम हो गया वैसे। अच्छा मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बिहेवियर मुझे काफी ऑफ लग रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। तो फिर तुम मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हो, जैसे तुमने कहीं जाना? कहीं जाना है क्या तुमने? एक मीटिंग है। किसके साथ? जाकिर साहब से मिलना है, उनसे थोड़ा मशवरा लेना है रेस्टोरेंट के बारे में। अच्छा अंकल आ गए। Just keep it. I'll try to figure this out, okay? Oh gosh. हाँ, हो गया तुम्हारा काम? Oh, hi. अभी तो आया हूँ, क्यों? क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं. Why? अब सारी बातें यहीं सुनोगे या कहीं सुकून से बैठ के? अच्छा, just give me 2 minutes. मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है, और तुम मुझे 2 minute का कह रहे हो? चलो मेरे साथ। क्या 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 क्या? Hold on, relax. Tell me, what happened? I need your help. कौन सी? मुझे उस आदमी से मिलवा सकते हो जिससे तुम अपना स्टफ लेते हो? स्टफ मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। उसके पास जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मिलवा सकते हो या नहीं? You know, why do you do this to me? हाँ, अभी। चलो, जल्दी से आ जाओ। All right. Oh God. डर तो नहीं लग रहा है? कहाँ रह गया यार फोन करो उसे। ओके बैठो अंदर। व्हाट आर यू डूइंग? इसे स्टफ लो, पैसे दो और निकलो। और इसको गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत है? जी साहब, माल चेक कर रहे, इस दफा माल बहुत अच्छा है। What is this, Nida? What do you want? Please tell me what is he doing in my car? Just drive, Jimmy. What? मैडम बाद में अंग्रेजी में बात करना, हमें फारिग करो, हमारा और भी बहुत काम है। मुझे भी आपसे एक काम है। क्या? किसी का मर्डर कराना। रहा दिल।